नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड में प्रचलित एक ऐसे पारंपरिक आभूषण के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको नाक में पहनते ही पहाड़ की महिलाओं की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिहरी नथ की। वैसे तो उत्तराखंड में कई तरह के पारंपरिक आभूषण प्रचलित हैं, लेकिन उन सब में नथ का अपना एक अलग ही स्थान है। पूरे उत्तराखंड में अलग अलग शैली की नथ आपको देखने को मिल जाएगी। नथ को मुख्य तौर पर गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार की महिलाएं पहनती हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को एक विशिष्ट पहचान दिलाती है उनकी नाक में पहने जाने वाली कुंदन जड़ी बड़ी नथ। इसे विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसके बिना महिलाओं का श्रृंगार अधूरा होता है। नथ को नथुली के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषणों में से एक है। यह उत्तराखंड की महिलाओं को एक अलग पहचान दिलाती है। इसकी सुंदर शैली काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे तो सभी पहाड़ी नथ बेहद खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज हम जिस नथ की बात करेंगे वो है टिहरी नथ। टिहरी नथ पूरी दुनिया में अपने अनोखे और खूबसूरत डिज़ाइन के लिए मशहूर है। टिहरी नथ को सोने और मोती की माला के साथ तैयार किया जाता है और इसमें की गई चित्रकारी इसको एक अलग पहचान दिलाती है। इसकी सुंदर शैली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। टिहरी नथ काफ़ी बड़े आकार की होती है और इसे सोने, रूबी और मोतियों के द्वारा तैयार किया जाता है। इस नथ की दीवानगी सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से बाहर रहने वाले पारंपरिक आभूषण प्रेमियों के बीच भी है। इसी वजह से वे इस पारंपरिक टिहरी नथ को अपने परिवार की महिलाओं के लिए बनवाना पसंद करते हैं। टिहरी नथ के इतिहास के बारे में भी आपको कुछ बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि टिहरी नथ का इतिहास तब से है जब से टिहरी में राजा रजवाड़ों का राज था। राजशाही परिवार की महिलाएं सोने की नथ को पहना करती थी और नथ के आकार को परिवार की संपन्नता से जोड़कर देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि नथ जितनी भारी और बड़ी होगी परिवार उतना ही संपन्न होगा। जैसे जैसे घर परिवार में धन धान्य बढ़ता था वैसे ही नथ का आकार भी बढ़ता चला जाता था। नथ के आकार को उस जमाने में नथ में सजे हुए मोतियों की संख्या और नथ के वजन के आधार पर दुल्हन के परिवार की वित्तीय स्थिति को आंका जाता था। टिहरी नथ उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित आभूषणों में से एक है और ये गढ़वाल की महिलाओं का एक प्रमुख आभूषण है जो उनकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। इस नथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नथ ग्रामीण और शहरी दोनों ही तबके की महिलाओं के द्वारा पसंद की जाती है। वर्तमान में तो कई गैर गढ़वाली महिलाएं भी इस टिहरी नथ को पहनना पसंद करती हैं और शादियों में टिहरी नथ को अपनी नाक पर सजाना तो एक फैशन स्टेटमेंट सा बन गया है। इस पारंपरिक नथ की दीवानगी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग इस सुंदर नथ को निहारने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं और जब कोई पहाड़ी लड़की सज धज कर तैयार होती है तो सभी लोगों की नज़रें उसकी नथ की ओर ही टिकी होती। टिहरी नथ का जो आकार है वो पहले के ज़माने में काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में आपको इसके कई सारे डिज़ाइन और पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। दुल्हन की पसंद के अनुसार इनको ढाला जाता है। वर्तमान में टिहरी नथ के आपको 50 से भी ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पारंपरिक टिहरी नथ बेहद खूबसूरत दिखाई देती है क्योंकि उसमें गढ़वाली संस्कृति का स्पर्श होता है। गढ़वाली परंपरा के अनुसार दुल्हन के मामा ही दुल्हन को नथ देते हैं और ये
गणेश पूजा के समय दुल्हन को पहनाई जाती है, जब दुल्हन शादी के सभी गहनों से सजी होती है। आज की आधुनिक महिलाएं थोड़ी हल्की और स्टाइलिश नथ पहनना ज्यादा पसंद करती हैं, जबकि आज से कुछ वर्षों पहले तक टेहरी नथ काफी बड़ी और भारी हुआ करती थी। आमतौर पर ये नथ 3 तोले से 6 तोले तक की हुआ करती थी, लेकिन आज नथ को स्टाइलिश अंदाज में पेश किया जाता है। लेकिन पारंपरिक जो टिहरी नथ है उसकी शान कुछ और है। नथ महिलाओं का एक अहम आभूषण है जो महिलाओं के लिए एक अमूल्य पूंजी की तरह होता है, और पहाड़ी महिलाएं अपनी नथों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक संजोए रख। तो दोस्तों, ये था हमारा टिहरी नथ पर बनाया गया आज का ये वीडियो। अगर आपके पास भी इस टिहरी नथ से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।